एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है, यदि इनहेलेशन के टाइम पे, मैंने बोला इनहेलेशन के टाइम पे क्या हुआ था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपेरेटिवली कम होता है, तो आप देख लीजिए एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा किससे, एटमोस्फेरिक प्रेशर से, एटमोस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो जो एयर का मूवमेंट है वो कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ, मतलब लंग्स से बाहर की तरफ, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का प्रेशर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, इसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ पर एक्सहेलेशन के टाइम पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही, मुझे तो फर्स्ट ही सही लग रहा है, फिर भी आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। लेसर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये तो नहीं होगा, ये तो इनहेलेशन के लिए सही होता है, इक्वल भी नहीं होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के, फिर यहाँ कर रखा है इक्वल टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर, नहीं, ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा और इसको कैटेगरी हम दे देंगे मीडियम कैटेगरी।